मैं कल आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो है टीए आर्मी की जो आप लोग की रिक्रूटमेंट निकल के आई है। जी हाँ, टीए रैली 2024, काफी लंबे समय के बाद आप लोग को ये रैली देखने को मिल रही है। 2019 के बाद 2024 में आप लोग की ये रैली निकल के आई है और अच्छी खासी रैली सभी जोनों में आप लोग की, चारों जोन में आप लोग की जो है यहाँ पे रैली का शेड्यूल आ चुका है। 4 नवंबर 2024 से आप लोग की रैली स्टार्ट है। आप जिस जोन से आते हैं उस जोन की रैली में आप लोग भाग ले सकते हैं। जी हाँ, आपके जोन में कई सेंटर्स बनाए गए हैं, 1 सेंटर 2 सेंटर 3 सेंटर, आप किसी भी सेंटर में भाग ले सकते हैं। डेट आप लोग अपने अनुसार देखेंगे कौन सी डेट आपको फिट बैठ रही है और इसके अलावा कहाँ पे आप लोग जा सकते हैं, उसके अनुसार आप लोग रैली में भाग लेंगे, डेट वगैरह का ध्यान रखेंगे। जी हाँ, बच्चे रैली में जाने के लिए एक्साइटेड हैं क्योंकि काफी लंबे समय के बाद ये भर्ती आ रही है और बच्चे इस रैली का वेट कर रहे थे। और इस रैली में भाग लेने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है, इसमें एज का बहुत बड़ा बेनिफिट है। जी हाँ, एज का बहुत बड़ा बेनिफिट है, इंडियन आर्मी की तरह नहीं है। यहाँ आप लोग की एज जो 18 से 42 साल ली जाती है, तो इंडियन आर्मी से जो एज में आउट हो चुके हैं वो बच्चे भी यहाँ रैली में भाग ले सकते हैं। तो पूरी तरीके से एक्साइटेड है रैली स्टार्ट होने का, पल पल की इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलेगी। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो लगातार मैं आप लोग को जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी जो है बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर ये टीए आर्मी की जो रैली निकल के आ रही है, सर क्या इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, सर जॉब कैसी है, मीन्स कितने समय तक जॉब रहेगी। हमने ऐसा सुना है कि 2 मंथ की जॉब होती है और बाकी जो है आपको अदर वर्क वगैरह करना होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मीन्स इस प्रकार के क्वेश्चंस बच्चों के आ रहे हैं, क्या पर सर ये परमानेंट रहेगी, रेगुलर रहेगी, या फिर जो 7 साल का पीरियड लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में ये क्या है, सर एक वीडियो प्रोवाइड कीजिए। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, वीडियो को लास्ट तक देंगे। देखिए, जो जानकारी मेरे पास है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। जी हाँ, A to Z जानकारी आप लोग को मिलेगी। सबसे पहले आप लोग को टीए आर्मी के बारे में पता होना चाहिए। जी हाँ, टीए आर्मी क्या है, टीए आर्मी को आप लोगों को पता होना चाहिए, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। जी हाँ, दूसरी रक्षा पंक्ति है ये आप लोगों की, जरूरत पड़ने पर इसका जो है इसको यूज किया जाता है, मींस जरूरत पड़ने पे जो है ये अपना रोल प्ले करती है। जैसे कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम, आपदा वगैरह, कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपदा किसी भी प्रकार की, बाढ़, ठीक है, तो प्रशासन को इसकी जरूरत पड़ती है, या फिर ऐसी जगहों पे ये अपना रोल प्ले करती है, टेरिटोरियल आर्मी ही अपना रोल प्ले करती है। टीए आर्मी का जो स्ट्रक्चर है मैं आपको बताऊं, टीए आर्मी को बनाया गया है जरूरत के समय इसके यूज के लिए, और इसमें जो है आप लोग को ट्रेनिंग वगैरह चलती रहती है, और इसके साथ साथ जब जरूरत होती है तो आप लोग जो है इसका यूज किया जाता है। इस प्रकार से आपके जो है टीए आर्मी को बनाया गया। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए टीए आर्मी में 2 प्रकार की भर्ती होती है, आपकी जो सोल्जर एंट्री होती है, इसके अलावा ऑफिसर एंट्री होती है। ऑफिसर एंट्री से मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टार्टिंग करता हूँ। ऑफिसर जो एंट्री होती है उसमें यही चीजें होती हैं, आपकी जो ऑफिसर एंट्री के तहत आप टीए आर्मी ज्वाइन करते हैं, तो जो टीए आर्मी ज्वाइन करते हैं वो गेनफुल एम्प्लॉय ही होते हैं, यानी कि आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो तो ही आप लोग जो है टीए आर्मी में एज ए ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो आपका सर्विस पीरियड होता है, यानी कि जो आपका ट्रेनिंग होती है, इसे सर्विस पीरियड नहीं, ट्रेनिंग पीरियड, आप लोग को एवरी ईयर 2 से 3 मंथ का जो भी होता है ट्रेनिंग पीरियड होता है, जिसे कि आपको ज्वाइन करना होता है, ट्रेनिंग आप लोग को करनी पड़ती है। सिर्फ यही आपका जो है एवरी ईयर का जो है प्रोसेस होता है, या फिर जरूरत पड़ती है तो इसके समय को बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। तो गेनफुल एम्प्लॉय ही ऑफिसर एंट्री में सेलेक्ट होते हैं, और 2 से 3 मंथ की जो भी ट्रेनिंग होती है एवरी ईयर, उसमें जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं, ये होती है आपकी ऑफिसर एंट्री। और जितने समय वो ज्वाइन जो ट्रेनिंग करते हैं या जितना समय वो टेरिटोरियल आर्मी देते हैं उसी के अनुसार उन्हें जो सैलरी मिलती है, तो ये ऑफिसर एंट्री होगी। लेकिन इसके अलावा मैं बता दूं, ऑफिसर एंट्री के अलावा सोल्जर एंट्री भी होती है। जी हाँ, आप लोग की जो जीडी की भर्ती हो गई, क्लर्क की भर्ती हो गई, ट्रेड्समैन की भर्ती होगी, टेक्निकल की भर्ती नहीं होती, सोल्जर एंट्री भी आप लोग की होती है ये। लेकिन इसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, टीए आर्मी पे लोड बहुत ज्यादा है, मैं आप लोग को बता दूं। जी हाँ, वर्क मैंने आप लोग को बता दिया इसी प्रकार से, लेकिन लोड इतना ज्यादा है कि आपकी जो जॉब है सोल्जर यानी कि जीडी, क्लर्क और ट्रेड्समैन की, आपकी जॉब यहाँ पे परमानेंट रहती है। लिखा जाता है इस प्रकार से, जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा,
कि आप लोगों को पूरी तरीके से बताया जाता है कि टेरिटोरियल आर्मी प्योरली वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन विद पार्ट टाइम कमिटमेंट ओनली, द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रोवाइड और प्रॉमिस एनी परमानेंट एम्प्लॉय। ठीक है, ऐसी कोई गारंटी नहीं देता है कि आपको जो है परमानेंट एम्प्लॉय की, तो इस प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि आपका कार्य जो है यहाँ पे परमानेंट ही होता है, टेरिटोरियल आर्मी में बहुत ज्यादा लोड है, आपको रेगुलर यहाँ पे वर्क करना होता। जी हाँ, तो ये जिस चीज के लिए आप लोग परेशान थे मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे आप लोग की जॉब परमानेंट ही रहती है। लेकिन लेकिन विभाग जो इस चीजों को लेकर के चलता है, यदि आप लोग कार्य अच्छा नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा लगता है डिपार्टमेंट को कि आपकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आपके पीरियड को यहाँ पे घटाया जा सकता है। यानी कि आपकी जो 2 मंथ की जो ट्रेनिंग का समय होता है, सिर्फ उतना ही आप लोग का समय रहेगा। आप लोग 10 मंथ के लिए घर पे रह सकते हैं, या फिर आप 2 मंथ ही दे सकते हैं तो आप लोग जो 2 मंथ दे सकते हैं, 2 या 3 मंथ जो भी आपका ट्रेनिंग का पीरियड होता है, बाकी समय आप घर पे रह सकते हैं। आपका जो है ये रेगुलर जॉब रहती है और परमानेंट जॉब आप लोग की रहती है। जी हाँ, और इसके अलावा मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूं, टेरिटोरियल आर्मी में जो है आप लोग का 3 मंथ का अवकाश भी होता है, 90 दिन का आप लोग का अवकाश होता है यहाँ पे। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे, टीए आर्मी में जो आप लोग की एंट्री होती है, ऑफिसर एंट्री होती है, सोल्जर एंट्री होती है। सोल्जर एंट्री का जो वर्क है ये आपका परमानेंट वर्क रहता है। आप लोग परमानेंट वर्क करना चाहते हैं, बिल्कुल वहां पे आप लोग परमानेंट एम्प्लॉय हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जितना समय आप लोग देंगे टेरिटोरियल आर्मी में उतनी आपको सैलरी मिलती है। 3 मंथ की आप लोग की जो है यहाँ पे अवकाश रहता है, उसकी सैलरी आप लोगों को नहीं मिलती है, ये भी मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। और ऑफिसर एंट्री की मैंने आप लोग को बता दी है, 2 से 3 मंथ का आपका जो है यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड रहता है पर ईयर, और जितना समय आप टेरिटोरियल आर्मी में देते हैं उतना आपको सैलरी मिलती है, उसके बाद आप लोग की सैलरी नहीं रहती। तो इस प्रकार से आप लोग का टेरिटोरियल आर्मी में वर्क है, तो आप लोग तैयारी कीजिए। जी हाँ, आप लोग जीडी क्लर्क और ट्रेड्समैन के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है, बिल्कुल आप लोग रनिंग की तैयारी कीजिए। रनिंग का आप लोगों ने देखा है इस बार प्रोसेस अलग है, यहाँ पे आपको नंबर्स वगैरह दिए जा रहे हैं और 5:30 से आप लोग को जो है टाइमिंग जैसे जैसे आपके बढ़ेंगे उसके अनुसार आपको नंबर मिलेगा। एज के अनुसार भी आप लोग की जो है यहाँ पे रनिंग का टाइमिंग वगैरह बढ़ाया है, 1600 मीटर की आप लोग की रनिंग है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो है पुलअप वगैरह है उसमें भी आप लोग के नंबर हैं, बैलेंस वगैरह के आप लोग के नंबर नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग फिजिकल में भाग लीजिए, फिजिकल क्लियर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा नंबर आप लोग लेकर के आइए और उसी के अनुसार आप लोग को बुलाया जाएगा रिटर्न एग्जाम में। जी हाँ, रिटर्न एग्जाम आप लोग का होने वाला है, रिटर्न एग्जाम की भी तैयारी आप लोग रखिए, बहुत ज्यादा समय आप लोग को नहीं मिलने वाला है। तो फिजिकल के बाद आप लोग का रिटर्न एग्जाम, रिटर्न के बाद आप लोग का जो है ट्रेड टेस्ट और मेडिकल वगैरह आप लोग का होगा और उसके बाद आप लोग फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। तो वैकेंसियां काफी लंबे समय के बाद आई हैं, अच्छी वैकेंसी है, तैयारी कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, परमानेंट जॉब है, 7 साल तक आपको किसी भी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये भी मैं आप लोग को बता दूं, क्या 7 साल के बाद बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। 7 साल के बाद भी आप लोग वहां पे जॉब पे रह सकते हैं, ये आपकी जहां पे भी आपने ज्वाइनिंग ली है बटालियन वगैरह, ठीक है, वहां की जरूरत पे डिपेंड करता है, वो आगे का प्रोसेस है। आप ऐसा मत सोचिए कि 7 साल के बाद ही आप लोग बाहर हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग वहां पे और भी समय दे सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके वर्क पे और वहां की आपकी जरूरत पे। पेंशन वगैरह आप लोग की नहीं है, यदि जॉब आप लोग की यहाँ पे 15 साल तक हो जाती तो पेंशन भी आप लोग की इश्यू होती, लेकिन 15 साल तक नहीं है, 7 साल की है। यहाँ पे जैसा नोटिफिकेशन में दे दिया है तो पेंशन आप लोग को नहीं मिलेगी, पूरी फैसिलिटीज वगैरह है। तो तैयारी कीजिए, रनिंग पे फोकस रखिए, रनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, फिजिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने अच्छे नंबर आप लोग ले आएंगे उतने ज्यादा आप लोग के सिलेक्शन के चांसेस बने रहेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो पर, चैनल पर आप लोगों से एक उम्मीद, चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोगों तक बताएंगे नेक्स्ट टाइम।